हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल गाइस। आज मैं आपके लिए लाई हूँ ब्रेड पुडिंग की रेसिपी। तो बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए बनाते हैं ब्रेड पुडिंग। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी अच्छी अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो गाइस, मैंने यहाँ पर 6 ब्रेड लिए हैं। आप अपनी क्वान्टिटी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैं इसके एजेस निकाल रही हूँ और एजेस इसके निकाल कर हम साइड में कर लेंगे। तो ये आप सारी चीज़ें देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो मैंने 6 ब्रेड लिए हैं। 4 टेबल स्पून में पिसी हुई शुगर लूँगी। वनीला एसेंस लिया है मैंने 1 टेबल स्पून, और मैंने लिया है दूध लिया है, मिल्क लिया है मैंने 1.5 कप तकरीबन दूध लिया है। और मैंने 4 टेबल स्पून शुगर और लिया है कैरमलाइज करने के लिए, और 2 एग्स लिए हैं, और ये मैंने पिसी हुई चीनी ली है। तो मैंने ब्रेड के टुकड़े हम कर रहे हैं, इसका क्रम्बल हम बनाएंगे। मिक्सर के जार में आप आसानी से इसका क्रम्बल बना सकते हैं। ये मैंने बना लिया है। क्वांटिटी आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो ये मैं 2x को इसको निकाल रही हूँ। इसको 2 अंडे लिए मैंने, और इसमें हम 4 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी लेंगे, शुगर, और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करना है कि हमारा शुगर डिज़ोल्व हो जाए, अंडे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। तो गाइस देखिए, ये मिक्स हो गई है अच्छे से। और फिर इसके बाद बहुत ही आसानी से इसका प्रोसेस, मैंने वनीला एसेंस लिया है 1 टेबल स्पून। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो डालें, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। और मैंने बाउल थोड़ा बड़ा कर लिया था, वो थोड़ा छोटा बाउल था। अच्छे से मिक्स दे दिया है मैंने इसमें, और जो हमने अब क्रम्बल बनाया था ब्रेड का, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। हाँ, तो गाइस क्रम्बल हमने ऐड कर दिया है, और हम मिल्क अब इसमें ऐड करेंगे धीरे धीरे। हम पहले थोड़ा मिल्क डालेंगे, पहले हम इसमें थोड़ा मिल्क डालकर इसको अच्छे से देख लेंगे। एक अच्छा सा बैटर हमारा तैयार होना चाहिए। मेरा तकरीबन 1.5 टेबल कप मेरा मिल्क इसमें लग गया था। अब हम कैरेमलाइज बनाएंगे, कैरेमल बनाएंगे। उसके लिए मैंने 4 टेबल स्पून शुगर लिया है, और बस हमें इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, बस इसको स्पून से हमें हिलाते रहना है। याद रखिएगा कि स्पून हमें इसको रोकना नहीं है, वरना हमारी शुगर हमारी जल सकती है। तो हमें चम्मच इसको हिलाते रहेंगे चम्मच, जब तक कि हमारी शुगर डिज़ोल्व ना हो जाए और कैरेमल ना बन जाए। तो गाइस 2 से 3, हाँ तो गाइस शुगर हमारी डिज़ोल्व हो रही है, और ये देखिए कैरेमलाइज अब ये फौरन बन जाएगा। इस समय हमें स्पून हिलाते रहना है, क्योंकि शुगर जलने का इसमें डर रहता है, तो शुगर जल्दी से जल जाती है, इसलिए हमें स्पून हिलाते रहना। और जब तक इसका कलर हल्का गोल्डन कलर इसका आ जाए, तब तक हमें इसको चम्मच हिलाते रहना है। ये देखिए, ये हमारा गोल्डन कलर आ गया है, कैरेमलाइज हमारा रेडी हो गया है। बस गैस की फ्लेम को हमें अब बंद कर देना है, और मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है। और देखिए, जिस टिन में हमें पुडिंग बनाना है उसमें हमें इसको ट्रांसफ़र कर लेना है, और चारों तरफ हमें टीन को हमें इस तरीके से हिला लेना है ताकि चारों तरफ से हमारा ये अच्छे से बैठ जाए। और फिर जो हमने बैटर पुडिंग का तैयार किया था वो हम इस पर धीरे से पोर कर देंगे, और फिर इसको 2-3 बार हम टैप करेंगे। और मैं इसको आपको कढ़ाई में बनाना सिखा रही हूँ। अगर आपके पास माइक्रोवेव हो तो आप उसमें भी इसको बना सकते हैं। तो मैं कढ़ाई में बना रही हूँ ताकि जिसके पास नहीं है तो वो भी बना ले। मैंने कढ़ाई रख ली है, और इसको हम जाली मैंने रख ली थी, और ये मैंने फॉइल पेपर इसको कट करके हम इसको ढक देंगे ताकि पानी इसमें ना जाए। और थोड़ा थोड़ा स्टीम निकलने के लिए हम इसके चाकू या फोक की मदद से थोड़ा थोड़ा इसमें होल कर देंगे फॉइल के ऊपर, ताकि स्टीम हमारी निकलती रहे और ये अच्छे से पक जाए। और हमने इसमें कढ़ाई में पानी डाल दिया है 1 प्याली, और इसको ढक करके हम 40 मिनट तक पकाएंगे। हम 35 मिनट बाद इसको एक बार खोल कर देखेंगे, उसके बाद फिर हम इसको 40 मिनट तक पकाएंगे। हाँ तो गाइस, अभी 35 मिनट हुआ है, और ये मैं चाकू इसमें खोल करके इसको देख रही हूँ। देखिए चाकू एकदम क्लीन आया है, तो हमारा ये पुडिंग रेडी हो गया। लेकिन अभी मैं इसमें 5 मिनट तक इसको अभी और रखूँगी ताकि अच्छे से पक जाए। तो इसको इसको 40 मिनट पूरे इसको पकने में 40 मिनट लगे थे मुझे।
ये देखिए मैं फॉइल हटाकर आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरीके से ये पक चुका है। तो गाइस अब 40 मिनट हो गए थे, गैस की फ्लेम को मैंने बंद कर दिया था। अब हम फॉइल धीरे से हटा देंगे। अभी काफ़ी गर्म है तो आप इसको ये प्रोसेस आप थोड़ा सा ध्यान से करिए। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल ये हमारा पक चुका है। अब आप इसको ऊपर से छू कर देख भी सकते हैं। अब चाकू से हमें नाइफ से हमें इसको चारों तरफ से इसको लूज़ कर देना है ताकि हमारा पुडिंग आसानी से निकल जाए। और एक प्लेट की सहायता से प्लेट इसके ऊपर रख के हमें इसको पलट देना है। ये देखिए गाइस ब्यूटीफुली हमारा पुडिंग हमारा बाहर आ गया है। और देखिए कितना ब्यूटीफुल इस पर कलर आया है। पुडिंग अच्छे से जम गई है, बहुत अच्छी तैयार हुई थी और खाने में बहुत ही क्रीमी थी। इसका टेक्सचर बहुत ही क्रीमी था और एकदम मुंह में जाकर ये घुल जा रही थी। तो कैसी लगी मेरी पुडिंग की रेसिपी आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैंने आपको बहुत ही ईजी वे में बताया और एक एक स्टेप आपको बताया है कि कैसे कैसे आपको बनाना है। तो गाइस अब मैं इसको कट करके भी आपको दिखा देती हूँ। और देखिए ये कट मैंने कर दिया और ये पीस हम निकाल लेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन भी है, आप उसको क्लिक करेंगे तो मेरी अच्छी अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू, बाय बाय।